हेलो स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में यूनिट थर्ड के अंतर्गत जो कि थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, हमें कुछ ग्रोथ थ्योरीज को स्टडी करना है जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। इनमें से एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ, संतुलित समृद्धि का सिद्धांत। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ को स्टडी करेंगे। माई सेल्फ मोनिका अवस्थी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ को पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज की कुछ विशेषताएं जो कॉमन है वो क्या है। विश्व का कोई भी अल्प विकसित या विकासशील देश हो, उसे कुछ मेजर चैलेंजेस को फेस करना होता है, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लो लेवल ऑफ इनकम, कैपिटल डेफिशिएंसी, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज एक्सेट्रा। इन समस्याओं को ओवरकम करते हुए कैसे ये देश ग्रोथ पाथ पर आगे आकर के डेवलप्ड इकोनॉमी बनने की दिशा में अग्रसर हो, इस संबंध में इकोनॉमिस्ट ने दो मेजर ग्रोथ स्ट्रेटजीज और थ्योरीज दी हैं, जिनमें से एक है थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ, संतुलित समृद्धि का सिद्धांत, एंड सेकेंड इज थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ, असंतुलित समृद्धि का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ फोकस करती है साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट इन ऑल द सेक्टर्स, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक ही समय पर विकास हो, चाहे वह एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो और कमर्शियल सेक्टर हो, सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करके सभी क्षेत्रों का एक साथ साइमल्टेनियस डेवलपमेंट किया जाए। जबकि थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ फोकस्ड इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन सम पर्टिकुलर और स्ट्रेटेजिक सेक्टर, क्योंकि अल्प विकसित देश कैपिटल डेफिशिएंसी एंड लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन से ग्रसित होते हैं, इसीलिए सभी क्षेत्रों में एक साथ इन्वेस्टमेंट करके विकास नहीं किया जा सकता। इसीलिए कुछ चुने हुए स्ट्रेटेजिक और पर्टिकुलर सेक्टर, मीन्स कुछ विशेष क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पहले निवेश किया जाए और इन क्षेत्रों को पहले डेवलप किया जाए और उसके बाद डेलिबरेटली अनबैलेंस इकोनॉमी में क्रिएट करके बाद में बाकी क्षेत्रों में डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को अपनाया जाए। तो इस वीडियो लेक्चर में हम केवल थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ को स्टडी करें। बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी को सबसे पहले 18th सेंचुरी में जर्मन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट फ्रेडरिक लिस्ट ने दिया था। अकॉर्डिंग टू लिस्ट, स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट कुड बी अचीव्ड बाय अडॉप्टिंग बैलेंस अमंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। लिस्ट के अनुसार किसी भी देश का विकास करने के लिए कृषि, उद्योग और व्यापार में एक संतुलन होना आवश्यक है। इन तीनों क्षेत्रों में संतुलन के माध्यम से ही कोई भी कंट्री डेवलप हो सकती है। 1928 में एलन यंग ने बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी को सपोर्ट किया। अकॉर्डिंग टू यंग, एज द डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट, दे शुड बी डेवलप्ड साइमल्टेनियसली। यंग के अनुसार क्योंकि सभी उद्योग म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और इसीलिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और इसीलिए इकोनॉमी में इन सारे सेक्टर्स को साइमल्टेनियसली एक ही समय में विकसित किया जाना चाहिए। बट रोजेस्टीन रोडोन ऐसे फर्स्ट इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने 1943 में प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप नाम से एक पेपर पब्लिश किया, और इस पेपर में उन्होंने बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी का प्रतिपादन किया। परंतु उन्होंने इस पेपर में बैलेंस्ड ग्रोथ शब्द का प्रयोग करने के बजाय बिग पुश थ्योरी के रूप में बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी को दिया। देन प्रोफेसर रेगनर नर्कसे, प्रोफेसर आर्थर लुईस सिटोवस्की, बाल्डविन एंड मेयर जैसे इकोनॉमिस्ट ने भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के ग्रोथ के लिए बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी को डिफरेंट बेसिस पर सजेस्ट किया। अगर हम बैलेंस ग्रोथ का सिंपल मीनिंग देखें तो बैलेंस ग्रोथ या संतुलित विकास से आशय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक साथ तथा एक सा विकास करना है। मीन्स ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर आदि का एक साथ एक ही समय पर विकास करना है, जिससे कि सभी क्षेत्र एक साथ विकसित हो और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इकोनॉमी को ग्रोथ पाथ पर आगे ले जाएं। बैलेंस ग्रोथ थ्योरी को सपोर्ट करने वाले इकोनॉमिस्ट में जो प्रमुख नाम हैं, वो हैं एडम स्मिथ, फ्रेडरिक लिस्ट, नक्शे, आर्थर लुईस, रोजेस्टीन रोडोन, हार्वी लिविस्टिन इत्यादि। नाउ वी विल सी सम डेफिनेशंस ऑफ बैलेंस ग्रोथ। अकॉर्डिंग टू सी पी किंडल वर्जर, बैलेंस ग्रोथ इम्प्लाइज दैट इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन ऑल सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज एट वंस। स्टिल टू अदर्स, इट इम्प्लाइज बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर।
किंडल बर्जर के अनुसार बैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब एक ऐसे इन्वेस्टमेंट से है जो कि एक ही समय पर इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट उद्योगों के बीच में एक साथ किया जाता है एक ही समय पर, और इस इन्वेस्टमेंट के कारण एक बैलेंस क्रिएट होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के बीच। According to Higgins, balanced growth implies simultaneous capital investment in a number of different industries. इसका मतलब भी वही है कि इकोनॉमी के डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज हैं, विभिन्न उद्योग हैं, उसमें एक साथ पूंजी का निवेश करना ताकि सभी उद्योग एक साथ ग्रो कर सकें, यही बैलेंस्ड ग्रोथ है। अकॉर्डिंग टू रडावे, संतुलित विकास से अर्थ अर्थव्यवस्था की विभिन्न अंगों में संतुलन स्थापित करने से है। इसमें उत्पादन व उपभोग ढांचे के मध्य बैलेंस हो, उपभोग वस्तु क्षेत्र व पूंजी वस्तु क्षेत्र के मध्य संतुलन तथा उत्पादन प्रणाली में समन्वय स्थापित किया जा सके। मींस बैलेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न, बैलेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड सेक्टर एंड कैपिटल गुड सेक्टर, एंड बैलेंस इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जिससे कि कच्ची सामग्री मींस रॉ मटेरियल, अनिर्मित सामग्री मींस इंटरमीडियरी गुड्स मध्यवर्ती वस्तुएं, एवं औद्योगिक आवश्यकताओं में जो इंडस्ट्रियल नीड्स है उनके बीच में संतुलन स्थापित किया जा सके। क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में जो डिमांड होती है उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया जाता है, तो डिमांड यानी कि कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन में बैलेंस हो, इस डिमांड को पूरा करने के लिए जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि कैपिटल गुड सेक्टर के नाम से जाने जाते हैं, तो इनके बीच में संतुलन हो ताकि इकोनॉमी में सभी क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करके हाई ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्शन को अचीव किया जा सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी इंडिकेट करती है कि किसी भी इकोनॉमी में एक ही टाइम पर डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि ये सभी सेक्टर एक साथ एक्सपेंड हो और इकोनॉमी में आय मींस इनकम, उत्पादन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, विनियोग, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में वृद्धि हो और इकोनॉमी ग्रोथ के पाथ पर आगे चल सके। नाउ वी विल सी बेसिस ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी। जैसा कि हम जानते हैं कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज की मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी, मींस ये देश गरीबी के दुष्चक्र में फंसे हुए होते हैं। गरीबी का दुष्चक्र मतलब होता है कि लो लेवल ऑफ इनकम के एक ऐसे ट्रैप में फंसे हुए होते हैं जिसमें फोर्सेस एक दूसरे को इस प्रकार से प्रभावित करती हैं कि इकोनॉमी एक लो लेवल इनकम के ट्रैप में फंस जाती है और उसे बाहर निकलने के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट रैगनर नर्कसे ने दिया था, विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज को इस सर्कल से निकाल करके ग्रोथ पथ पर आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है बैलेंस ग्रोथ, एंड बैलेंस ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई, अर्थात पूर्ति पक्ष और मांग पक्ष दोनों में जब संतुलन होता है तभी कोई इकोनॉमी बैलेंस ग्रोथ को अचीव कर सकती है। तो रेगनर नर्कसे के अनुसार अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में जो विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी होता है वो मांग और पूर्ति दोनों ही साइड से, मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष से इंट्रैप्ड होता है। मीन्स इन इकोनॉमीज में लो लेवल ऑफ इनकम होता है, पॉवर्टी होती है और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आर्थिक पिछड़ापन होता है, और ये लो लेवल ऑफ इनकम किसी इकोनॉमी में लो सेविंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कम बचत के कारण कम इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट होता है, और ये लो इन्वेस्टमेंट के कारण इकोनॉमी में लो कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पूंजी निर्माण की दर भी कम होती है और पूंजी की कमी के होने के कारण लो प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पादकता का स्तर भी निम्न होता है और लो प्रोडक्टिविटी अगेन लो इनकम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इस प्रकार से ये एक साइकिल पूरा हो जाता है और इकोनॉमी इसी सर्कल में फंसी रहती है। अब हम देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई साइड को सेपरेटली। तो सप्लाई साइड का मतलब क्या होता है? पूर्ति पक्ष का संबंध उन समस्त उद्योगों से होता है जो वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाने में सहायक है। इट मीन सप्लाई साइड के अंतर्गत हम उन सभी फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जो इकोनॉमी में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अर्थात सप्लाई को इंक्रीज करते हैं। क्योंकि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में जो नेशनल प्रोडक्ट है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन है, उसका स्तर बहुत निम्न होता है, तो बैलेंस ग्रोथ के लिए उत्पादन के स्तर को बढ़ाना होगा, मीन सप्लाई को बढ़ाना होगा, और सप्लाई बढ़ाने के लिए आवश्यक है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय एंटरप्रेन्योर्स थ्रू सफिशिएंट इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट इन इंटरडिपेंडेंट सेक्टर्स। अर्थव्यवस्था में जो एक दूसरे पर निर्भर उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे सभी इंटरडिपेंडेंट सेक्टर्स में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को प्रेरित करना। अगर सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उद्यमियों को या पूंजीपतियों को प्रेरित किया जाएगा और वो सारे सेक्टर्स में एक साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अर्थव्यवस्था में सप्लाई बढ़ेगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। सेकंड पॉइंट है सेटिंग अप और एक्सपेंशन ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज साइमल्टेनियसली, मीन्स एक ही समय पर
ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज हैं उसको एक्सपेंड करना मीन्स उनका विस्तार करना और उसके साथ साथ अनेक नवीन उद्योगों की स्थापना करना मीन्स ऑलरेडी सेटअप जो इंडस्ट्रीज है उनको बढ़ाना और इसके साथ ही साथ नवीन उद्योगों की एक ही समय पर स्थापना करना जिससे कि प्रोडक्शन इंक्रीज होगा इकोनॉमी में यानी कि जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट है डिफरेंट सेक्टर शुड बी डेवलप्ड साइमल्टेनियसली। ये पॉइंट भी सेम बात ही कहता है कि सभी उद्योगों में अगर इस तरह से एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्ट करेंगे तो सारे क्षेत्र एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली डेवलप होंगे। तो इस तरीके से इकोनॉमी को जो सप्लाई साइड से विशेष सर्कल है उससे निकाला जा सकता है और इसके लिए जो मेन इंडस्ट्रीज हैं वो इंटरमीडियरी इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, ट्रांसपोर्ट, पावर जनरेशन, इरिगेशन आदि क्षेत्रों में निवेश करना जो कि अर्थव्यवस्था में नए निवेश को प्रोत्साहित करके सप्लाई को बढ़ाने में हेल्पफुल है। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि बैलेंस ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए इकोनॉमी में ऐसे सभी उद्योगों में निवेश करना होगा एक साथ एक ही समय पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हो सके। नाउ कम टू डिमांड साइड मीन्स मांग पक्ष। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज न केवल सप्लाई साइड से विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी में फंसे हुए रहते हैं बल्कि डिमांड साइड मांग पक्ष भी कमजोर होता है और मांग कमजोर होने के कारण भी ये विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी में फंसे हुए होते हैं मीन्स लो इनकम पॉवर्टी और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के कारण लोगों के पास लो परचेजिंग पावर होती है मीन्स इनकम कम होती है तो उनकी वस्तुओं और सेवाओं को परचेज करने की पावर कम होती है और लो परचेजिंग पावर के कारण स्मॉल एक्सटेंट ऑफ मार्केट मार्केट साइज भी लो होता है क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं होती है। डिमांड ना होने के कारण बाजार का आकार छोटा होने के कारण इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए कोई प्रोत्साहन या प्रेरणा या इंड्यूसमेंट नहीं मिलती है जिसके कारण वो लो इन्वेस्टमेंट करते हैं और कम निवेश होने के कारण लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में लो प्रोडक्टिविटी मीन्स लो आउटपुट देता है। उत्पादन की मात्रा कम होती है और ये लो आउटपुट अगेन इकोनॉमी को लो इनकम और पॉवर्टी के लेवल पर बनाए रखता है मीन्स ये एक पूरा सर्कल डिमांड साइड से पूरा हो जाता है और इकोनॉमी गरीबी के दुष्चक्र में फंसी हुई होती है। तो बैलेंस ग्रोथ के लिए सप्लाई साइड को इंक्रीज करने के साथ ही साथ जरूरी है कि डिमांड को भी इंक्रीज किया जाए। मांग पक्ष का संबंध लोगों को रोजगार के अधिक साधन प्रदान करके उनकी आय बढ़ाने से है ताकि वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ाई जा सके। तो डिमांड को इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, उन सारे इंडस्ट्रीज को डेवलप करना होगा, उसमें निवेश करना होगा बड़े पैमाने पर जो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम दे सके जिससे कि अर्थव्यवस्था में इनकम लेवल को बढ़ाया जा सके और जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ेगा इकोनॉमी में जो सप्लाई साइड से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी मांग बढ़ेगी और इकोनॉमी में बैलेंस ग्रोथ होने लगेगा। यहाँ से डिमांड बढ़ेगी, इंक्रीज होगी और इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई को बढ़ाया जाएगा और ये सप्लाई और डिमांड में एक बैलेंस क्रिएट होगा और इकोनॉमी बैलेंस ग्रोथ की ओर अग्रसर हो जाएगी। क्योंकि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में डिमांड मीन्स इफेक्टिव डिमांड का स्तर बहुत कम होता है और जिसके कारण इन्वेस्टर्स को कोई इंड्यूसमेंट नहीं मिलता है इन्वेस्ट करने के लिए मीन्स कोई इंसेंटिव्स, कोई प्रोत्साहन या प्रेरणा नहीं मिलती है, प्रॉफिट्स भी कम हो जाते हैं और इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप साइमल्टेनियसली सो दैट दे शुड बिकम द कस्टमर ऑफ वन एनदर मीन्स सभी इंडस्ट्रीज में एक साथ निवेश किया जाए ताकि वो एक दूसरे के कस्टमर बन सके। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री जब सेटअप की जाती है तो उसको कुछ उद्योग होते हैं जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं और कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जो इस इंडस्ट्री में बने हुए प्रोड्यूस को और इंटरमीडिएटरी गुड्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर हम एक साथ सभी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे जो एक दूसरे पर डिपेंड होंगी मीन्स इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज पर जब इन्वेस्ट किया जाएगा तो वो एक दूसरे के कस्टमर होंगी और एक दूसरे के प्रोडक्ट का डिमांड करेंगी जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। सेकंड पॉइंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्रीज। अब डिमांड बढ़ाने के लिए ऐसे उद्योगों पर निवेश करना है जो कि बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सके मीन्स लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को डेवलप करना होगा। जनरली किसी भी इंडस्ट्री में दो तरह की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव या श्रम प्रधान उद्योग वो उद्योग होते हैं जिसमें बड़े पैमाने पर मैन पावर का यूज किया जाता है एंड कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज वो सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसपे मशीनरी और टेक्नोलॉजी के आधार पर उत्पादन किया जाता है, मैन पावर का मिनिमम यूज होता है। तो डिमांड को इंक्रीज करने के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए यानी ऐसे सभी उद्योगों का विकास किया जाए जिसमें बड़े पैमाने पर मैन पावर का यूज होता है और इसके अंतर्गत आते हैं एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मींस एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप किया जाए क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों की
इनकम बढ़ेगी और ये बढ़ी हुई इनकम इकोनॉमी में डिमांड को बढ़ा देगी। थर्ड पॉइंट है, डिमांड बढ़ाने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए। कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज मीन्स इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज जो एक दूसरे के सपोर्ट के साथ ही डेवलप हो सकती हैं, और इसमें बेसिकली एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ही आती हैं, क्योंकि जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी और उस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करना होगा, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के साथ ही साथ एग्रीकल्चर को भी लार्ज इन्वेस्टमेंट के थ्रू विकसित करना होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर अनेक उद्योगों को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है और बढ़ी हुई पॉपुलेशन के लिए फूड प्रोवाइड कराती है। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री और इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्री को एक साथ डेवलप करना होगा। इसके लिए प्रोफेसर रोजिस्टियन रोडॉन ने एक सू फैक्ट्री का उदाहरण दिया। रोडॉन के अनुसार अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में बड़े पैमाने पर अदृश्य बेरोजगारी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो मान लीजिए किसी इकोनॉमी में बड़े पैमाने पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वहां से लेबर्स को निकाल करके अगर सू फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया जाए और 20,000 श्रमिकों को रोजगार पर लगाया जाए, तो ये श्रमिक सू के प्रोडक्शन से जो इनकम अर्न करेंगे उनसे मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी और ये डिमांड अलग अलग वस्तुओं की होगी। तो इकोनॉमी में अगर एक ही उद्योग सू इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए और उसी पर बड़े पैमाने पर निवेश करके 20,000 लोगों को काम पर लगा करके जूते के उत्पादन को बढ़ाया जाए, जिससे कि इन लोगों की इनकम में वृद्धि होगी, परंतु श्रमिक इस इनकम से जो डिमांड करेंगे वो डाइवर्स डिमांड होगी। मींस ये केवल जूता नहीं खरीदेंगे, ये डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे, क्योंकि इस एग्जांपल में इन्वेस्टमेंट केवल सू फैक्ट्री पर किया गया है और बाकी इंडस्ट्रीज को साइमल्टेनियसली डेवलप नहीं किया गया, तो इस डाइवर्स डिमांड को पूरा करने के लिए इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं होगा, और इसीलिए थोड़े समय बाद सू इंडस्ट्री के द्वारा जो उत्पादन मार्केट में आ रहा है इसकी भी डिमांड नहीं होगी, क्योंकि ये सारा पैसा तो जूता खरीदने में खर्च नहीं करेंगे, तो इसके कारण शूज की डिमांड भी गिर जाएगी और थोड़े समय बाद ये इंडस्ट्री भी डिप्रेस्ड हो जाएगी। और इसीलिए रोडॉन ने कहा कि एक साथ अगर मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में किया जाए तो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होगा और उसमें जो लेबरर्स काम पर लगे होंगे और उनकी इनकम में जो वृद्धि होगी, उस बढ़ी हुई इनकम को वो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को परचेज करने में खर्च करेंगे, और जिससे सारे इंडस्ट्रीज के प्रोड्यूस की डिमांड आएगी और वो उत्पादन बढ़ाएंगे और इंडस्ट्री एक्सपेंड करेगी। इट मींस अगर एक साथ विभिन्न उद्योगों में निवेश किया जाए तो सभी उद्योगों में लगे हुए श्रमिकों की इनकम में वृद्धि होगी और उस बढ़ी हुई इनकम से वो अलग अलग उद्योगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की डिमांड करेंगे, और इस प्रकार से साइमल्टेनियसली सभी इंडस्ट्रीज एक साथ डेवलप होंगी। तो ये हमने बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी की जनरल एक्सप्लेनेशन देखी, बट बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी को डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग प्रकार से एक्सप्लेन किया, तो अब हम देखेंगे व्यूज ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ऑन बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी, जिसमें ये थ्री नेम रैग्नर लक्स, रोजेस्टी रोडॉन एंड आर्थर लुईस मेन है। तो अब हम इन तीनों इकोनॉमिस्ट के व्यूज को देखेंगे कि बैलेंस ग्रोथ थ्योरी के बारे में इनके क्या स्पेसिफिक व्यूज हैं। जहां पर रैग्नर लक्स ने बैलेंस ग्रोथ को अचीव करने के लिए मार्केट एक्सटेंशन पर यानी कि बाजार के विस्तार पर फोकस किया, वहीं रोजेस्टी रोडॉन अपने थ्योरी ऑफ बिग पुश में SMP सोशल मार्जिनल प्रोडक्ट एंड PMP प्राइवेट मार्जिनल प्रोडक्ट के हेल्प से बैलेंस ग्रोथ थ्योरी की व्याख्या करते हैं, और आर्थर लुईस की बैलेंस ग्रोथ थ्योरी इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के बीच में बैलेंस को बताती है और घरेलू उपभोग के लिए उत्पादन और निर्यात के लिए उत्पादन मीन्स प्रोडक्शन फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट्स पर फोकस करती है, मीन्स उत्पादन बढ़ाने पर जोर देती है, जिससे कि घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही साथ एक्सपोर्ट करने के लिए भी उत्पादन को बढ़ाया जा सके। सो नाउ वी विल सी वन बाय वन ऑल दीज थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी इज रोजेस्टीन रोडॉन्स थ्योरी। रोजेस्टीन रोडॉन ने 1943 में एक पेपर पब्लिश किया, उसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ बिग पुश को प्रोपाउंड किया। बिग पुश मींस बड़ा थक्का। रोडॉन ने माना कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज को विशेष सर्कल से निकाल करके सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनाने के लिए एक बिग पुश की आवश्यकता होती है, और ये बिग पुश
का मीनिंग है इन्वेस्टमेंट ऑन लार्ज स्केल, मीन्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बड़े पैमाने पर इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स में एक साथ जब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तभी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी के रूप में कन्वर्ट हो सकती है। रोडोन की थ्योरी में बैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब है लार्ज इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन सेवरल एक्टिविटीज टू टेक बेनिफिट ऑफ वेरियस एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ द इंडिविजिबिलिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड साइड। एक्चुअली रोडोन ने अपनी थ्योरी में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यूज किए हैं, पहले हम उनका मतलब देख लें। फर्स्ट है एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इकोनॉमीज का मतलब होता है बचत और एक्सटर्नल मीन्स बाहर। तो बाहर बचत का मतलब होता है जब किसी भी इकोनॉमी में एक साथ इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन होता है, उद्योगों का विस्तार होता है, तो उस विस्तार के साथ जब कोई भी लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और जिसका बेनिफिट इंडस्ट्री को मिलता है। अब ये इकोनॉमीज दो तरह होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। जब कोई उद्योग अपनी खुद की एफिशिएंसी के साथ कॉस्ट को रिड्यूस करके अधिक प्रॉफिट अर्न करता है, मीन्स बचत को प्राप्त करता है, तो वो इंटरनल इकोनॉमीज होती है। लेकिन किसी इंडस्ट्री में जब डिफरेंट सेक्टर्स एक साथ डेवलप होते हैं तो उन सेक्टर्स के डेवलप होने के साथ साथ सभी उद्योगों की कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि रॉ मटेरियल, स्किल्ड वर्कर, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन जैसी चीजों का विस्तार होता है और कॉस्ट कट हो जाती है, और ये बेनिफिट्स एक्सटर्नल इकोनॉमीज यानी कि बाह्य बचत का लाभ सभी उद्योगों को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्षेत्र में कोई एक उद्योग डेवलप किया जाता है तो उस क्षेत्र के आसपास ही उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्रीज और कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज भी डेवलप होने लगती हैं। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज डेवलप हो जाती हैं, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है, पावर जनरेशन की फैसिलिटी होती है, बीमा बैंकिंग जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज का एक्सपेंशन होता है, स्किल्ड लेबर वर्क डिवीजन आदि के माध्यम से न केवल इस इंडस्ट्री को बल्कि इसके साथ डेवलप होने वाली बहुत सारी इंडस्ट्रीज को वो बेनिफिट्स प्राप्त होती हैं, तो वो कहलाते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज। सेकंड टर्म है इंडिविजिबिलिटी। इंडिविजिबिलिटी का मतलब होता है जिसको कि डिवाइड न किया जा सके। तो अभी हमने समझा था कि सप्लाई एंड डिमांड साइड क्या है। रोडान के अनुसार किसी भी इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई को बढ़ाने वाले जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो इंडिविजिबल होते हैं नेचर से। इट मींस हम उन इंडस्ट्रीज को बिट बाय बिट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से यानी कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं कर सकते, हमें बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो ये कहलाती है इंडिविजिबिलिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो रोडोन ने माना कि बैलेंस ग्रोथ का मतलब है कि बड़े पैमाने पर इकोनॉमी के सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करना, जिससे कि इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन से जो एक्सटर्नल और इंटरनल इकोनॉमीज जनरेट हो रही हैं उनका लाभ सभी उद्योगों को मिले। आगे रोडोन कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअली सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज विच वुड क्रिएट द मार्केट फॉर ईच अदर्स प्रोडक्ट। रोडोन ने माना कि जो म्यूचुअली सपोर्टिंग और इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज हैं उनमें एक साथ इन्वेस्टमेंट किया जाए जिससे कि वो एक दूसरे के प्रोडक्ट के कस्टमर और कंज्यूमर बन सके, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बनाती है उसकी डिमांड डिफरेंट सेक्टर से आती है। तो डिफरेंट सेक्टर्स जब एक साथ डेवलप होंगे तो अलग अलग उद्योगों में जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है तो अलग अलग उद्योगों में काम करने वाले वर्कर्स की इनकम इंक्रीज होगी और वो सभी उद्योगों की डिमांड को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट इन सोशल ओवरहेड कैपिटल मींस एसओसी मोर देन इन डीपीए। रोडोन ने अपनी थ्योरी में इन्वेस्टमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, इन्वेस्टमेंट इन एसओसी एंड इन्वेस्टमेंट इन डीपीए। एसओसी मींस सोशल ओवरहेड कैपिटल। सोशल ओवरहेड कैपिटल का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल रेल, रोड, ट्रांसपोर्ट, पावर जनरेशन, इरिगेशन जैसी अवसंरचनात्मक सेवाओं का विस्तार, क्योंकि जिस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज्यादा मजबूत होगा वो देश उतना ही अधिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा। एंड डीपीए का मीनिंग है इन्वेस्टमेंट इन डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, मीन्स ऐसे उद्योगों में इन्वेस्ट करना जो कि फिनिश्ड गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं, मीन्स प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सहायक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट एसओसी और डीपीए में होगा, लेकिन रोडोन के अकॉर्डिंग एसओसी में इन्वेस्टमेंट को ज्यादा करना चाहिए डीपीए की तुलना में। अगला पॉइंट है एसएमपी इज ग्रेटर देन पीएमपी। एसएमपी क्या है? सोशल मार्जिनल प्रोडक्ट एंड पीएमपी प्राइवेट मार्जिनल प्रोडक्ट। जब किसी भी इकोनॉमी में एसओसी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसके बेनिफिट सोसाइटी के ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्राप्त होते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी में जब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो उसका समाज के लोगों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है ये एसएमपी कहलाता है, और किसी इन्वेस्टमेंट से निजी व्यक्तियों को क्या लाभ हो रहा है वो पीएमपी कहलाता है। तो रोडोन ने माना कि एसएमपी शुड बी ग्रेटर देन
पीएमपी मीन्स इन्वेस्टमेंट से समाज के अधिक लोगों को लाभ प्राप्त होना चाहिए, ना कि कुछ निजी व्यक्तियों को। तो उन्होंने ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट मीन्स एसओसी में इन्वेस्टमेंट करने पर अधिक फोकस दिया, क्योंकि उसका एसएमपी पीएमपी से अधिक होता है। नेक्स्ट है प्लान लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब चूंकि एसओसी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया है रोडॉन ने, और एसओसी में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि एसओसी में इन्वेस्टमेंट करने पर उसका लाभ बहुत कम होता है। इन सेक्टर्स में गवर्नमेंट ही विनियोग करती है, और इस सेक्टर में किया गया इन्वेस्टमेंट बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए एसओसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रोडॉन ने प्लान्ड इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया, कि प्लानिंग एक नियोजित तरीके से बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो ये रोडॉन की थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं जो उन्होंने बिग पोस्ट थ्योरी में दिए। तो रोडॉन के अकॉर्डिंग संतुलित समृद्धि का सिद्धांत उपभोक्ता वस्तु उद्योग एवं पूंजी वस्तु उद्योगों के बीच संतुलन, अर्थात उद्योग एवं कृषि क्षेत्र में तथा घरेलू निर्यात एवं निर्यात क्षेत्र में संतुलन, सामाजिक एवं आर्थिक ऊपरी सुविधाओं तथा प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं के बीच संतुलन पर बल देता है। इट मीन्स एसओसी एंड डीपीए के बीच में बैलेंस हो, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के बीच में बैलेंस हो, और डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट के लिए जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें संतुलन हो। इसके साथ ही साथ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर में भी संतुलन हो। अब रोडॉन ने अपनी थ्योरी में तीन तरह की अविभाज्यताओं और पूरकताओं के बारे में बात की, इंडिविजिबिलिटीज और कॉम्प्लीमेंटैरिटीज। पहला है इंडिविजिबिलिटी इन प्रोडक्शन फंक्शन और इन द सप्लाई ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल्स, मीन्स उत्पाद फलन में अविभाज्यता। रोडॉन ने माना कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में उत्पाद फलन में अविभाज्यता होती है। इट मीन्स जब हम किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें डिफरेंट फैक्टर प्रोडक्शन पर, उत्पादन के विभिन्न साधनों पर निवेश करना होता है, और ये निवेश इंडिविजिबल होता है। इट मीन्स अगर आप टुकड़ों में इन्वेस्ट करेंगे तो वो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज होगा। तो इसके लिए हमें लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट करना होगा उत्पादन करने के पहले ही। और प्रोडक्शन फंक्शन में जो इंडिविजिबिलिटीज है वो सोशल ओवरहेड कैपिटल्स की सप्लाई को बताता है। और सोशल ओवरहेड कैपिटल में जब इन्वेस्टमेंट होगा, मींस आधारभूत संरचना में जितना ज्यादा निवेश होगा, उससे ह्यूमन एंड फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन उतना ही अधिक होगा। मींस स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क परिवहन, संचार, सिंचाई जैसी सुविधाओं पर जितना अधिक निवेश किया जाएगा, जो कि एसओसी कहलाता है, तो ह्यूमन एंड फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ पाथ पर आगे जाएगी। रोडॉन ने माना कि दे आर इंडिविजिबल इन टर्म्स ऑफ टाइम, दैट मींस दीज रिक्वायर लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट बिफोर प्रोडक्शन। इट मींस कि एसओसी में जो निवेश होता है वो इंडिविजिबल होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम, मींस ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने में एक लंबा टाइम लगता है, तभी हम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब किसी देश में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, तभी डायरेक्ट डीपीए में इन्वेस्टमेंट करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इंडिविजिबिलिटीज इन प्रोडक्शन फंक्शन ये भी बताती है कि द लाइफ ऑफ मशीन्स एंड टेक्निक्स यूज्ड आर वेरी लॉन्ग, मींस मशीनरी और टेक्नोलॉजी जो भी प्रोडक्शन के लिए यूज की जा रही है उसका एक लंबे समय तक प्रयोग किया जाएगा। एंड जेस्टेशन पीरियड इज लॉन्ग। इट मींस अब जब आप एसओसी में निवेश करेंगे तो वो फाइनल आउटपुट देने की स्थिति में आने में एक लंबा वक्त लेगी। तो उत्पाद फलन में अविभाज्यता का मतलब है कि बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बिट बाय बिट या टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। और रोडॉन ने माना कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हैज टू इन्वेस्ट 30-40% ऑफ देयर टोटल इन्वेस्टमेंट इन सोशल ओवरहेड, कि टोटल इन्वेस्टमेंट का 30-40% सोशल ओवरहेड मींस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा। सेकेंड इज इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम कह सकते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज, मांग की अविभाज्यता। इट मींस इकोनॉमी में जब इनकम इंक्रीज होती है तो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं की मांग होती है। तो इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड बताती है डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी कि एक दूसरे की मांग को पूरा करते हैं और एक दूसरे की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन करते हैं। किसी एक सेक्टर या कुछ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने से बैलेंस्ड ग्रोथ को अटेन नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू रोडॉन, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रिगार्डिंग डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन ईच अदर, कि किसी भी इंडस्ट्री में जब निवेश करना होता है तो उस इंडस्ट्री में किए जाने वाला निवेश अन्य उद्योगों पर किए जाने वाले निवेश और उस उद्योग में होने वाले उत्पादन पर निर्भर करता है। और क्योंकि ह्यूमन नीड्स और डिमांड्स डाइवर्स होती है, मीन्स विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए होती है,
तो इसीलिए सभी इंडस्ट्रीज में एक साथ इन्वेस्टमेंट करके उत्पादन बढ़ाया जाएगा, तभी बैलेंस्ड ग्रोथ प्राप्त हो सकती है। रोडॉन ने एग्जाम्पल दिया था इसके लिए सू फैक्ट्री का, फिर से मैं ये एग्जाम्पल बता रही हूँ। इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी देयर आर 100 डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स, मींस एक क्लोज्ड इकोनॉमी है जहाँ पर किसी प्रकार का विदेशी व्यापार नहीं होता है। मान लीजिए 100 डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर हैं, अदृश्य बेरोजगार हैं। इन वर्कर्स को जहाँ पर ये काम पर लगे हुए थे वहां से निकाल करके अगर सू इंडस्ट्री में काम पर लगा दिया जाए तो इन सभी को इनकम प्राप्त होगी, लेकिन ये सारे के सारे वर्कर्स मिलने वाली इनकम को सूज पर खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी नीड केवल सूज नहीं है। तो इस प्रकार से जो सू इंडस्ट्री है, जो भी माल प्रोड्यूस कर रही है, उसकी डिमांड इन 100 वर्कर्स के द्वारा लिमिटेड मात्रा में ही की जाएगी, क्योंकि ये वर्कर्स सूज की थोड़े मात्रा में डिमांड करने के साथ अन्य वस्तुओं की मांग करेंगे। तो केवल सू फैक्ट्री को या इंडस्ट्री को डेवलप करने के बजाय अगर कई सारी इंडस्ट्रीज में एक साथ इन्वेस्ट किया जाए और सभी उद्योग उत्पादन करें, तो ये सभी उद्योग एक दूसरे के उत्पादन के लिए मांग पैदा करेंगे, और जिससे सभी इंडस्ट्रीज की डिमांड इंक्रीज होगी, और इसमें काम करने वाले वर्कर्स को जो इनकम प्राप्त होगी वो इन समस्त उद्योगों के द्वारा प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज में खर्च करेंगे। तो इस प्रकार से रोडॉन ने सू फैक्ट्री का उदाहरण देते हुए इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन किया। थर्ड इंडिविजिबिलिटी इज इंडिविजिबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ सेविंग, मीन्स बचतों की पूर्ति में अविभाज्यता। जो सप्लाई ऑफ सेविंग है वो भी इंडिविजिबल है, मीन्स टुकड़ों में छोटी छोटी बचत करके बड़े पैमाने पर पूंजी को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग रोडॉन, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में इनकम लेवल लो होता है, तो बचत भी सप्लाई ऑफ सेविंग का लेवल भी लो होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े पैमाने पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इकोनॉमी में इनकम इंक्रीज होती है, और इनकम इंक्रीज होने से मार्जिनल रेट ऑफ सेविंग मीन्स बचत करने की क्षमता में वृद्धि होती है, और अगले स्टेज में जो सामूहिक बचत है एग्रीगेट सेविंग, उसका लेवल बढ़ जाता है और वो APS से अधिक हो जाता है, मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मीन्स बचत करने की क्षमता और इच्छा और योग्यता का विस्तार होता है, जिससे अगले स्टेज में जो सप्लाई ऑफ सेविंग है वो इंक्रीज हो जाती है, बचतों की मात्रा बढ़ जाती है जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रयोग की जाती है। तो इस प्रकार से रोडॉन ने माना कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में ये तीन तरह की इंडिविजिबिलिटी होती है, और इन तीन तरह की इंडिविजिबिलिटी होने के कारण इसमें बड़े पैमाने पर जब सभी उद्योगों में एक साथ निवेश किया जाता है तो इस निवेश से इकोनॉमी में एक्सटर्नल इकोनॉमीज मीन्स बाह्य बचत सभी उद्योगों को प्राप्त होती है और इकोनॉमी ग्रोथ के पाथ पर आगे बढ़ने लगती है। तो रोजस्टीन रोडॉन ऐसे फर्स्ट इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने बिग पुश के नाम से एक सिस्टमेटिक बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी दी। अब हम देखेंगे रैगनर नर्क्स बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी। रैगनर नर्क्स ने 1953 में एक पेपर पब्लिश किया, प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, अल्प विकसित देशों में पूंजी निर्माण की समस्या। और इस पेपर में उन्होंने बताया कि UDCs मीन्स अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज गरीबी के दुष्चक्र में फंसे हुए होते हैं और यही इनके विकास में प्रमुख बाधा होती है। अकॉर्डिंग टू नर्क से If a nation is poor, it is bound to remain poor. और a country is poor because it is poor. Means एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, और अगर कोई देश गरीब है तो वह गरीबी में रहने के लिए मजबूर है। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में आय का एक निम्न स्तर होता है जो सब्सिस्टेंस लेवल पर टिका हुआ होता है, मीन्स जीवन निर्वाह स्तर पर आय फिक्स होती है और लोग केवल इतना कमा पाते हैं कि वो अपना जीवन चला सकें। तो लो इनकम होने के कारण सेविंग का लेवल लो होता है, बचत कम होने से पूंजी निर्माण की दर कम होती है, लो कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण कम होने से इन्वेस्टमेंट लो होता है क्योंकि निवेश के लिए धन उपलब्ध नहीं हो पाता है, और निवेश की मात्रा कम होने से लो आउटपुट होता है, और लो आउटपुट अगेन लो इनकम का कारण बनता है। इट मीन्स गरीबी का कारण और गरीबी का प्रभाव गरीबी ही है। इस इकोनॉमी एक ऐसे सर्कल ट्रैप में फंसी रहती है डिमांड और सप्लाई साइड से कि वो उस गरीबी में रहने के लिए बाउंड है, और जिसका प्रभाव ये होता है कि मार्केट का साइज लिमिटेड हो जाता है। नर्क्स ने बताया कि इन देशों में बाजार का आकार छोटा होता है,
यद्यपि पॉपुलेशन जनता बहुत अधिक होती है, ठीक है, लेकिन जनता के पास इनकम लेवल लो होने के कारण परचेजिंग पावर नहीं होती है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता बहुत कम होती है, जिसके कारण डिमांड मांग का स्तर कम होता है, और डिमांड कम होने से मार्केट का साइज बाजार का आकार कम होता है और पूंजीपतियों या एंटरप्रेन्योर्स को कोई भी इंड्यूसमेंट या प्रोत्साहन या प्रेरणा नहीं मिलती है निवेश के लिए। तो इस प्रकार से ये इकोनॉमीज विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी में फंसी रहती हैं, ट्रैप्ड होती हैं। अब किसी भी इकोनॉमी को इस सर्कल से कैसे निकाला जाए, इसके लिए नर्सले ने बताया कि दिस सर्कल कैन बी ब्रोकन ओनली थ्रू साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट इन वेरियस इंडस्ट्रीज। इट मींस अगर विभिन्न उद्योगों में एक साथ एक ही समय पर इन्वेस्टमेंट किया जाए और सभी उद्योगों का एक साथ विकास किया जाए तो इकोनॉमी में इस विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ा जा सकता है। मीन्स डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड से रिलेटेड इंडस्ट्रीज, मीन्स वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई को बढ़ाने वाले उद्योगों में और लोगों की इनकम बढ़ाने वाले या लोगों को रोजगार देने वाले उद्योगों में निवेश किया जाए, जिससे कि डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज हो और विशेष सर्कल को ब्रेक डाउन किया जा सके। नर्कसे ने कहा कि जिस प्रकार से किसी भी बॉडी को फिट रखने के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, यानी कि उसके भोजन में न्यूट्रिएंट्स उचित मात्रा में हो, मीन्स प्रोटीन फैट विटामिन्स कार्बोहाइड्रेट्स का प्रॉपर रेशियो हो, ठीक उसी प्रकार से अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के विकास के लिए आवश्यक है कि उसके सभी क्षेत्रों का विकास किया जाए। अब इस सर्कल को तोड़ने के लिए नर्कसे ने कुछ मेन पॉइंट्स बताए हैं। फर्स्ट इज मार्केट एक्सपेंशन, बाजार का विस्तार, बैलेंस बिटवीन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट साइज शुड बी इनलार्ज। नर्कसे ने माना कि जो मैंने अभी बताया आपको कि डिमांड एंड सप्लाई को इंक्रीज करने वाली इंडस्ट्रीज में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो बाजार का विस्तार होगा, क्योंकि जहां एक ओर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होगी तो वहीं दूसरी ओर उस प्रोड्यूस को डिमांड करने के लिए लोगों के हाथ में इनकम भी आएगी। इट विल लीड टू इंक्रीज इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट, और इससे क्या होगा कि बाजार में पूंजीपतियों को इन्वेस्टमेंट का प्रोत्साहन या प्रेरणा मिलेगी। मार्केट में जब डिमांड आएगी तो डेफिनेटली ज्यादा लाभ की संभावना बढ़ जाएगी और प्रॉफिट मोटिव के चलते इन्वेस्टर्स को एक प्रोत्साहन प्रेरणा या इंड्यूसमेंट मिलेगी, जिससे इकोनॉमी में निवेश बढ़ेगा। नर्सले ने माना कि ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। पहला है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में वृद्धि करना, मीन्स ऐसे सभी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना जिससे कि कॉस्ट को कट करके उत्पादन को बढ़ाया जा सके। सेल प्रमोशन, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है उसकी बिक्री को बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट आदि के माध्यम से बिक्री को सेल को प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट इज मनी सप्लाई, बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इकोनॉमी में प्रॉपर मनी सप्लाई हो। तो दीज आर सम फैक्टर्स विच डिटरमाइन द एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। विशेष सर्कल को तोड़ने के लिए अगला फैक्टर है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। नर्कसे ने अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मोटिव होता है और जब मार्केट एक्सपेंड करेगा, बाजार का विस्तार होगा, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो एंटरप्रेन्योर्स को अधिक लाभ होगा और ये अधिक लाभ अधिक इन्वेस्टमेंट को प्रेरित करेगा। इसीलिए नर्कसे ने अपनी थ्योरी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर अधिक जोर दिया, जबकि रोडॉन ने अपनी थ्योरी में SOC पर इन्वेस्टमेंट को फोकस किया, और जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ डिमांड, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो मांग है वो पूरक होती है, मीन्स डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड एक साथ की जाती है, और इसीलिए बैलेंस्ड ग्रोथ तभी प्राप्त कर सकते हैं जब विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों को एक साथ ही सेटअप किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए इन सारे उद्योगों में, जिससे कि एक साथ सभी उद्योगों में उत्पादन बढ़े और वो लोगों की बढ़ती हुई डिमांड्स को पूरा कर सके। क्योंकि एक उद्योग में काम करने वाले लेबर्स अलग अलग उद्योगों में होने वाले उत्पादन की डिमांड करती है, मीन्स सारी इंडस्ट्रीज एक दूसरे के कस्टमर होती हैं, और इसीलिए केवल एक अकेले उद्योग या सेक्टर का विस्तार करने से बैलेंस ग्रोथ को अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री होती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके इसको डेवलप किया जाए तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर इन्वेस्टमेंट करने से बैलेंस ग्रोथ अचीव नहीं की जा सकती है, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए स्टील, रबर इंडस्ट्री, ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री को भी डेवलप करना होगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री इसके लिए रॉ मटेरियल और इंटरमीडियरी गुड्स को प्रोड्यूस करेंगी। और इन इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब पावर, रोड,
रेल, कम्युनिकेशन जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं पर निवेश नहीं किया जाएगा और इन क्षेत्रों में काम करने वाले वर्कर्स को जो इनकम होगी उस इनकम से वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर के प्रोड्यूस की डिमांड करेंगे। तो इसके साथ इन क्षेत्रों का विकास भी करना होगा। इसलिए कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ डिमांड हमको ये बताती है कि विभिन्न उद्योगों में एक साथ जब निवेश किया जाएगा तभी सारे उद्योगों की प्रोड्यूस की मार्केट डिमांड होगी और उस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई बढ़ाई जाएगी और सारे उद्योग एक साथ डेवलप करेंगे। नेक्स्ट है इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट टू इनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। निजी विनियोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप पर नर्क से निबल दिया, चूंकि निजी निवेश प्रॉफिट मोटिव होता है, मीन्स लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आता है और ये जनरली DPA यानी कि फिनिश्ड गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में अवसंरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑलरेडी हो, जैसे बिजली, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में जब गवर्नमेंट प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करेगी तभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा। तो इसीलिए नर्क से ने गवर्नमेंट के इंटरवेंशन पर फोकस किया। नेक्स्ट है एक्सीलरेटेड रेट ऑफ ग्रोथ। इस विषय सर्कल को तोड़ने के लिए त्वरित गति से बढ़ती हुई विकास दर को अचीव करना होगा। तो जब सारे क्षेत्रों में एक साथ इन्वेस्टमेंट होगा, डिमांड एंड सप्लाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी और ये ग्रोथ रेट उस विषय सर्कल को तोड़ने में सफल होगी। एक्सटर्नल इकोनॉमीज, इसको हम देख चुके हैं रोडॉन की थ्योरी में। रोडॉन ने एक्सटर्नल इकोनॉमीज पर फोकस किया था कि जब सारे क्षेत्रों का एक साथ विकास होगा तो सभी उद्योगों को एक्सटर्नल इकोनॉमीज यानी कि बाहरी बचतें प्राप्त होंगी जिससे कि कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ेंगे और इन्वेस्टमेंट को इंड्यूसमेंट मिलेगी और अगले स्टेज में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और ये बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट बचत को बढ़ाएगा, इनकम को इंक्रीज करेगा, सेविंग इंक्रीज होगी, कैपिटल फॉर्मेशन पूंजी निर्माण की दर बढ़ेगी, उत्पादकता में वृद्धि होगी और लो लेवल ऑफ इनकम के ट्रैप से इकोनॉमी बाहर आएगी। लिफ्टिंग अप ऑफ ट्रेड बैरियर्स। इसी सर्कल को तोड़ने के लिए नर्कसे ने ट्रेड बैरियर्स व्यापार में आने वाली समस्त बाधाओं को कम करने पर फोकस किया, मीन्स जिसको हम कह सकते हैं आज के समय में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऐसे सभी बैरियर्स को हटाना जो विकास को बाधित करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को अफेक्ट करते हैं, तो ऐसे सारे बैरियर्स को कम किया जाए। तो ये सारे उपाय को अपना करके विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी को ब्रेक किया जा सकता है और इकोनॉमी को ग्रोथ पथ पर आगे लाया जा सकता है। थर्ड मेन इकोनॉमिस्ट जिन्होंने बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी को सपोर्ट किया ऑर्थर लुइस। अकॉर्डिंग टू W.A. लुइस, बैलेंस्ड ग्रोथ मीन्स दैट ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी शुड ग्रो साइमल्टेनियसली, मीन्स सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास हो, वही बैलेंस ग्रोथ है। सो एज टू कीप अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ताकि बैलेंस ग्रोथ में उद्योग और कृषि के बीच में संतुलन बनाए रखा जा सके। लुइस ने डुअल सेक्टर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया और उन्होंने माना कि इकोनॉमी में दो ही सेक्टर हैं, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर और एक एग्रीकल्चरल सेक्टर, और इन्होंने अपनी थ्योरी में इन दोनों ही सेक्टर के साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट एक साथ विकास पर बल दिया। एंड बिटवीन प्रोडक्शन फॉर होम कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट्स, और दूसरा संतुलन घरेलू उपभोग के लिए उत्पादन और निर्यात के लिए उत्पादन के बीच में होना चाहिए। इट मीन्स उन्होंने इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के बीच में बैलेंस के साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड को भी इम्पोर्टेंस दिया, जिसमें सरप्लस प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करके बेनिफिट लिया जा सकता है। द ट्रूथ इज दैट ऑल सेक्टर शुड बी एक्सपेंडेड साइमल्टेनियसली एंड अल्टीमेटली बैलेंस ग्रोथ का मेन मोटिव इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स का एक साथ विस्तार करना है। लुइस एडवोकेटेड बैलेंस ग्रोथ थ्योरी बिकॉज लुइस ने बैलेंस ग्रोथ थ्योरी का समर्थन निम्न पॉइंट के आधार पर किया। फर्स्ट, बिकॉज ऑफ बैलेंस ग्रोथ इक्वालिटी इन कंपैरेटिव प्राइसेस इन ऑल द सेक्टर्स विल बी मेंटेन्ड एंड ऑल द सेक्टर्स विल कंटिन्यू टू ग्रो। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है इन्फ्लेशन की, मीन्स प्राइस राइज, क्योंकि प्रोडक्शन लेवल और प्रोडक्टिव कैपेसिटी अधिक न होने के कारण सप्लाई हमेशा डिमांड से कम रहती है। मनी सप्लाई भी इकोनॉमी में डेलिबरेटली बढ़ा दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे इन्फ्लेशन की स्थिति यानी कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि की स्थिति देखने को मिलती है। तो लुइस के अनुसार एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर एक साथ अगर ग्रो नहीं करेंगे तो जहां पर प्रोडक्शन एक्सेस होगा, सरप्लस होगा, उस सेक्टर में कीमतों में गिरावट होगी और जो सेक्टर डिप्राइव्ड है, मीन्स उत्पादन अधिक नहीं हो रहा है, वहां पर सप्लाई शॉर्टेज होने के कारण कीमतों में वृद्धि होगी। तो इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स में कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास जरूरी है।
ताकि सभी सेक्टर्स पर कीमतों में वृद्धि और कमी का समान प्रभाव पड़े और उनका विकास बाधित ना हो। सेकंड पॉइंट है, इन केस ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स हुज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर। अकॉर्डिंग टू लुइस, जब किसी एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके उसको डेवलप करने की कोशिश की जाएगी तो उस सेक्टर में जो भी मैन पावर वहां पर इम्प्लॉयड है उसकी इनकम में वृद्धि होगी। इनकम इंक्रीज होने के कारण वो उन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को बढ़ाएंगे जो इनकम इलास्टिक है, मींस इनकम बढ़ने के साथ जिनकी डिमांड बढ़ जाती है, और ऐसी गुड्स होती हैं कंफर्ट एंड लग्जरी गुड्स, और इनकी डिमांड बढ़ने के कारण इनका सप्लाई भी मार्केट में बढ़ानी होगी। तो इसीलिए अगर बैलेंस्ड ग्रोथ होगा तो उन सभी सेक्टर्स में प्रोडक्शन बढ़ाना पॉसिबल होगा जो इनकम इलास्टिक गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ऐसा सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो इनकम के प्रति हाईली इलास्टिक है, और इनकम इंक्रीज होने पर इस सेक्टर का उत्पादन बढ़ाना पॉसिबल होगा। इफ नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज प्रोडक्शन साइमल्टेनियसली इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसके बाद लुइस इस बात पर भी विचार करते हैं कि अगर साइमल्टेनियसली दोनों ही सेक्टर में प्रोडक्शन को बढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा देन बैलेंस स्ट्रेटजी बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड शुड बी अप्लाइड। तब जो स्ट्रेटजी होगी वो घरेलू और फॉरेन ट्रेड के बीच में बैलेंस बनाए रखने के लिए होनी चाहिए, ताकि जो भी सेक्टर डेवलप कर रहा है चाहे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, उस सेक्टर में जो सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है उसको एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट अर्न किया जा सके। इन केस इंडस्ट्रीज आर नॉट डेवलपिंग देन एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इम्पोर्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और वाइस वर्सा। इट मीन्स अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं कर रहा है, जनरली अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में यही होता है कि विकास की प्रारंभिक सिचुएशंस होती है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंडेंसी बहुत अधिक होती है, और गवर्नमेंट और एंटरप्रेन्योर्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करके अपनी नीड्स को रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहिए। और अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप कर रहा है तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इंपोर्ट करके इंडस्ट्रियल सरप्लस को एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए। बट इट मे बी हार्मफुल इन लॉन्ग टर्म, लेकिन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर अत्यधिक डिपेंडेंसी को लुइस ने लॉन्ग रन में हार्मफुल भी बताया है। तो इसीलिए शॉर्ट रन स्ट्रेटेजी तो हो सकती है लेकिन लॉन्ग रन में दोनों ही सेक्टर को एक्सपेंड करना चाहिए। एंड लास्ट, ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी शुड डेवलप साइमल्टेनियसली सो दैट द बैलेंस इज मेंटेन्ड। तो इस तरीके से लुइस ने बताया कि दोनों ही सेक्टर को एक ही टाइम पर हैवी इन्वेस्टमेंट करके डेवलप किया जाए और बैलेंस्ड ग्रोथ को अटेन किया जाए, क्योंकि दोनों ही सेक्टर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, ना कि कॉम्पिटिटिव सेक्टर है ये दोनों। क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत सारे उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो भी इनपुट्स हैं जैसे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, कृषि के काम में आने वाली मशीनरी, टूल्स आदि प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरीके से दोनों ही सेक्टर इंटरडिपेंडेंट है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का जब एक्सपेंशन होता है तो बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर सेक्टर से डिसगाइज अनएम्प्लॉयड लेबर को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है और उनकी इनकम में वृद्धि होती है, जिसके कारण एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की भी डिमांड बढ़ती है। तो इसीलिए दोनों ही सेक्टर का साथ साथ डेवलपमेंट करने की स्ट्रेटेजी को अपना करके ही कोई भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी को ओवरकम करके ग्रोथ पाथ पर आगे बढ़ सकती है। तो ये तीनों ही थ्योरीज हैं जो बैलेंस्ड ग्रोथ को प्रमोट करती हैं। हम देखेंगे कि इन्होंने किन किन सेक्टर्स में बैलेंस की बात की है। तो किसी भी इकोनॉमी में बैलेंस होना चाहिए बिटवीन डेवलप्ड एंड लैग सेक्टर, मीन्स जो क्षेत्र विकसित हो चुका है और जो क्षेत्र विकास से वंचित है, डिप्राइव्ड है, पिछड़ा है। तो पिछड़े हुए सेक्टर पर फोकस करते हुए इसको डेवलप्ड सेक्टर के बराबर लाना ही बैलेंस है। दूसरा, बैलेंस बिटवीन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसको हम देख चुके हैं क्योंकि ये दोनों ही सेक्टर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे की आवश्यकताओं जरूरतों को पूरा करते हैं। नेक्स्ट है, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के बीच में बैलेंस होना चाहिए ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके लोगों की इनकम को बढ़ाया जा सके। आयरन, स्टील, कोल, पेट्रोलियम, कॉटन आदि कुछ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल हैं। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करके इकोनॉमी की बढ़ती हुई डिमांड, टूल्स, मशीनरी, टेक्नोलॉजी आदि की डिमांड को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट है, बैलेंस बिटवीन कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड सेक्टर। नेक्स्ट है, बैलेंस बिटवीन एसओसी एंड डीपीए एंड बैलेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड। नाउ यू विल सी बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस ग्रोथ। किसी भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में जब बड़े पैमाने पर सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश किया जाता है तो उसके बहुत सारे लाभ इकोनॉमी को प्राप्त होते हैं। अब हम देखेंगे वो क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट, ऑल राउंड डेवलपमेंट। इकोनॉमी का
ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास होता है, लार्ज साइज ऑफ मार्केट, मार्केट एक्सपेंड होता है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही को बढ़ाने वाले उद्योगों में जब इन्वेस्ट किया जाता है तो मार्केट का साइज बढ़ जाता है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज, जब एक साथ सभी उद्योगों का विस्तार किया जाता है तो बड़े पैमाने पर उत्पादन होने से कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और उनको बचत प्राप्त होती है, और ये बचत जब आंतरिक रूप से इंडस्ट्री की अपनी स्किल्स के कारण होती है तो वो इंटरनल इकोनॉमी कहलाती है। लेकिन जब एक साथ इकोनॉमी में सभी इंडस्ट्री एक्सपेंड होती है तो उसके कारण जो कॉस्ट रिड्यूस होती है एसओसी के डेवलपमेंट के कारण, वर्क डिवीजन के कारण, तो वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज कहलाती है। तो बैलेंस ग्रोथ से एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्रिएट होती है और उसका लाभ सभी इंडस्ट्रीज को मिलता है। बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं इन देशों के पास, इसीलिए बैलेंस ग्रोथ से इन देशों के रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जाता है। रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दर में वृद्धि होती है। इनकरेजमेंट टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एसओसी में इन्वेस्ट करके जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया जाता है तो निजी विनियोग या निजी उद्यमियों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए अट्रैक्ट करता है। ब्रेकिंग विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है क्योंकि इनकम बढ़ जाता है, बचत बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, उत्पादकता बढ़ती है, और जिसके कारण लो लेवल ऑफ इनकम के ट्रैप से इकोनॉमी को निकाला जा सकता है। द डेवलपमेंट ऑफ एसओसी इनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कि एसओसी में जब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और उद्योगपतियों को जब बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, रोड, रेल, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पावर जनरेशन, बीमा, बैंकिंग इत्यादि की बेहतर सुविधाएं मिलती हैं, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होता है क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मोटिव होता है, और एसओसी में डेवलपमेंट से लाभ की संभावना बढ़ जाती है और इस कारण निजी विनियोग प्रेरित होता है। इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड, बड़े पैमाने पर सभी सेक्टर्स में जब सरप्लस प्रोडक्शन होता है तो उसके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त होता है। प्रमोट प्रैक्टिसेस लाइक डिवीजन ऑफ लेबर, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, इनोवेशन एंड रिसर्च दैट इंश्योर इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड प्रॉफिट। और बैलेंस ग्रोथ, श्रम विभाजन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, रिसर्च और नव प्रवर्तन को प्रमोट करता है जिससे बचत प्राप्त होती है। मीन्स कम समय में, कम खर्च में, कम प्रयास में बेहतर क्वालिटी प्रोडक्शन प्राप्त होता है जो कि अर्थव्यवस्था में बचतों को, मीन्स इकोनॉमीज को बढ़ाते हैं। तो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी के ये कुछ बेनिफिट्स हैं। नाउ वी विल सी सम लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी। बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी को बड़े पैमाने पर क्रिटिसाइज भी किया गया। इसको क्रिटिसाइज करने वाले इकोनॉमिस्ट में प्रमुख नाम है फ्लेमिंग, सिंगर, हिर्ट्ज़मैन एंड कुरिहारा। तो ये आपको नाम याद रखने हैं कि कौन से इकोनॉमिस्ट थे जो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी के फेवर में थे और कौन से इकोनॉमिस्ट थे जो अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी को सपोर्ट करते हुए बैलेंस ग्रोथ थ्योरी को क्रिटिसाइज करते थे। तो इसका क्रिटिसिज्म है, पहला, इग्नोर स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि बैलेंस ग्रोथ थ्योरी में सभी क्षेत्रों में एक साथ बड़े पैमाने पर निवेश करना होता है और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के पास इतने नेचुरल एंड फिजिकल रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश कर सके। इसलिए अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए बैलेंस ग्रोथ थ्योरी एक बेटर स्ट्रेटेजी नहीं है। इग्नोर टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स, पॉपुलेशन का एक बहुत थोड़ा सा हिस्सा टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजरियल स्किल में कुशल होता है और इसीलिए केवल थोड़े से लोगों के बल पर सभी क्षेत्रों का विकास कर पाना संभव नहीं होता है। नॉट अ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट गुड ऑन पेपर ओनली, कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि ये विकास की वास्तव में कोई थ्योरी स्ट्रेटेजी नहीं है, ये केवल पेपर पर ही अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी, बैलेंस ग्रोथ थ्योरी मानती है कि जिस सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास होगा तो अर्थव्यवस्था में बचत इकोनॉमीज जनरेट होंगी और इन इकोनॉमीज के लाभ सभी उद्योगों को मिलेंगे। लेकिन रियलिटी में एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज मीन्स अबचत हानियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर जब सभी क्षेत्रों में इन्वेस्ट किया जाएगा तो जो उत्पादन के साधन है, मीन्स रिसोर्सेस हैं, और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के पास ये लिमिटेड हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि सभी उद्योगों के द्वारा बड़े पैमाने पर डिमांड की जाएगी और ये लिमिटेड होने के कारण इन रिसोर्सेस की कीमत बढ़ जाएगी और कीमत बढ़ने के कारण कॉस्ट बढ़ जाएगी और कॉस्ट बढ़ने से लाभ कम हो जाएंगे, मीन्स एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज सभी उद्योगों को प्राप्त होने लगेगी। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मीनिंग है कि जब इकोनॉमी में बड़े पैमाने पर उत्पादन को डिफरेंट सेक्टर्स में बढ़ाया जाएगा तो इसका प्रभाव ये होगा कि बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार पर लगाया जाएगा। रोजगार पर लगाने से इनकी इनकम बढ़ेगी, परंतु इनकम तो तुरंत बढ़ जाएगी लेकिन उत्पादन, प्रोड्यूस को मार्केट में आने में
एक निश्चित समय लगेगा और उस दौरान जो मार्केटेबल प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में सेल आउट होने के लिए आ गए हैं उनकी कीमतों में वृद्धि होगी और इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर में मुद्रा स्फीति का प्रभाव या महंगाई का दबाव बढ़ जाएगा। अनरियलिस्टिक अजम्पशंस, ये थ्योरी अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है जिसमें ये माना गया है कि बड़े पैमाने पर एक ही साथ सभी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जो कि टोटली इम्प्रैक्टिकल है क्योंकि इन कंट्रीज के पास इतने सारे रिसोर्सेस नहीं है कि एक साथ एक ही समय में सभी क्षेत्रों में निवेश किया जा सके। नेक्स्ट, कॉन्ट्राडिक्ट द थ्योरी ऑफ कॉम्परेटिव एडवांटेज। कॉम्परेटिव एडवांटेज की थ्योरी ये बताती है कि सभी देशों को सभी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन नहीं करना चाहिए। जो देश जिस वस्तु के उत्पादन को कम कॉस्ट में कंपैरेटिवली कर पा रहा है उसका उत्पादन करके उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए और उसके बदले उन वस्तुओं का इंपोर्ट किया जाना चाहिए जिनकी कंपैरेटिव कॉस्ट अधिक है। तो इस प्रकार से कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी अनबैलेंस इन्वेस्टमेंट पर बल देती है जबकि बैलेंस ग्रोथ थ्योरी में सभी क्षेत्रों के साथ साथ डेवलपमेंट पर बल देती है। हिस्टोरिकली भी ये बैलेंस ग्रोथ थ्योरी प्रूव नहीं हो पाई क्योंकि जब पीछे जाकर के विकसित देशों की हिस्ट्री को देखा जाता है कि वो कैसे विकास के उच्च स्तर पर पहुंचे तो ये देश भी एक साथ सारे सेक्टर्स पर फोकस करते हुए हाई ग्रोथ रेट को अचीव नहीं किए हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेबल टू डेवलप्ड कंट्रीज। क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो ये थ्योरी उन देशों के लिए तो एप्रोप्रिएट है जहां पर ऑलरेडी कैपिटल स्टॉक है परंतु अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए ये स्ट्रेटजी बेहतर नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बैलेंस ग्रोथ थ्योरी क्या है, किन किन इकोनॉमिस्ट ने इसको सपोर्ट किया, उनके व्यूज क्या क्या थे, इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी।